आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ट्रूकॉलर से आने वाले पॉपअप विंडो नोटिफिकेशन को डिसेबल कैसे करेंगे। अगर आपको पॉपअप विंडो नोटिफिकेशन नहीं पता है तो मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे आप किसी को कॉल करते हैं तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आता है इसे पॉपअप विंडो नोटिफिकेशन कहते हैं, और इसे आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं और आप इसे बार बार कट करते हैं। इसे आप किस तरह हटाएंगे आज मैं आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ बताऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐप एंड नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपको ऐप एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, मोबाइल के ऊपर में देखेंगे एक सर्च का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऐप लिखना है। ऐप लिखने के बाद इसे ओपन करना है यानी सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको ऐप एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई दे देगा या फिर ऐप इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इनमें से किसी भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ऐप इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। ऐप इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पे शो होगा। अब आपको क्या करना है, नीचे स्लाइड करना है और आपको ट्रू कॉलर को सर्च करना है और ट्रू कॉलर को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ पे आपको एक परमिशन का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको क्या करना है, परमिशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखे कॉल लॉक का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आएगा, यहाँ पे देखे अलाउ पे टिक लगा हुआ, आपको क्या करना है, डिनाय पे टिक लगा देना है, यानी इसे यहाँ से अलाउ हटा देना है। अब यहाँ पे चलिए मैं आपको फिर से कॉल करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे मेरा पॉपअप विंडो नोटिफिकेशन डिसेबल हुआ है नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पॉपअप विंडो का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो इस तरह से आप ट्रू कॉलर से आने वाले पॉपअप विंडो नोटिफिकेशन को डिसेबल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया। अगर इसी तरह का वीडियो देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले।